पुत्र सी ते एक कोल पिस्टल सी। उन्होंने दातर ते पिस्टल की नोक ते कोई 25-30 हज़ार रुपया उन्होंने गले विचों कढ लिया। जदों बीना नां दी औरत ने जो किसी डेयरी के काम अपने मालक है उन्हें विरोध किया ते जिहड़ा एक लुटेरा उन्हें उहदे पट्ट च गोली मारी। सिल्वर ते ब्लू हुंदा सर की मामला है। साढ़े के 12 बजे तकरीबन चांद डेयरी ते कोई 4 नौजवान मोटरसाइकलों ते सवार होके आए आ। उन्होंने कोल दातर सर सी ते एक कोल पिस्टल सी। उन्होंने दातर ते पिस्टल की नोक ते कोई 25-30 हज़ार रुपया उन्होंने गले विचों कढ लिया। जदों बीना नां दी औरत ने जो किसी डेयरी के काम अपने मालक है उन्हें विरोध किया तो जिहड़ा एक लुटेरा उन्हें उहदे पट्ट च गोली मारती जिहदी कि हालत बिल्कुल सही है। उन्हें उसनूं बाबा बगड़ा हस्पताल में पहुँचाया गया। बाकी असी CCTV कैमरिया जिहड़ियां उहदी फुटेज देख रहे हैं तो बाकी परचा दर्ज करके जो भी बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी तो जिहड़े दोषी आ छेती तो छेती फड़ ले जाएंगे। फस्ट जांच तो बस अजे साडी इन्वेस्टिगेशन चल रही आ। CCTV कैमरे असी खंगाले आ ते इतों सानू कोई अपना खाली खोल ते रौंद भी मिले। उन्हां दे संबंध विच भी साडी जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। भुपिंदर पाल जी, सर की मामला होया जिहड़ा डेयरी दे उत्ते? मामला जी, मिसेज मेरी दुकान ते बैठी सी ते मैं घर नूं आया। की नाम उहनां दा? वीना राणी जी। ते ओह मुंडे 4 आए मोटरसाइकलां ते हीरोआं लैंदे ते ओह आण के गले फोलन डह गए। गले फोलदियां सार ही मुड़ के मैं अंदरों आया। मैं पूछा की गल हुई, मैनूं कुट्टण डह गए, दातर मारन डह गए पुट्ठे सिद्धे। एक रिवालवर सी, ओह गोली मारन लगा, मेरे गोली नहीं वजी। वो मुड़ के मैं घर नूं भज आया ते मेरे घर दी नूं गोली मार के ते पैसे 40-45 हज़ार रुपया कढ के लै गए। ओहदे पट्ट च गोली मारी है। हुण हस्पताल दाखल आ ते गोली कढ बाबे बकाले सिविल हस्पताल। हांजी, पुलिस नूं उस वेलै मैं फोन करता है जी। आ गए ही। हालत ठीक है हुण? खतरे तो बाहर है जी। हांजी हांजी।